शिव दुख का कष्ट को शमन करने वाले, बस विश्वास रखना। शंकर के एक एक भाव पर जिसने विश्वास कर लिया उसका जीवन सफल हो गया। ध्यान देना, दुनिया में सबसे कठोर अगर कोई धातु है तो वो लोहा है, क्योंकि उसकी बंदूकें बन जाती है, गुप्ती बन जाती है, तलवार बन जाती है। उस तलवार से अपन दुनिया को काट सकते हैं, पर लोहा सोचे कि मैं सबसे ज्यादा कठोर, तो उससे कठोर है अग्नि। अग्नि लोहे को गला देती है। फिर अग्नि को अगर अहंकार आ जाए कि मैं कठोर, मैं तो लोहे को गला देती हूं, तो अग्नि से कठोर पानी अग्नि को बुझा देता है। अब पानी को अहंकार आ जाए कि मेरे बराबर कोई नहीं, मैंने अग्नि को बुझा दिया, तो पानी से ज्यादा कठोर है मनुष्य, लोटे में भर के डकार जाता है, एक गिलास में भरन निपटा गया। और मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई कठोर नहीं, तो मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो मनुष्य को ही निकल जाती है, मानव को ही निकल जाती है। और बीमारी सोचे कि मुझसे ज्यादा कठोर कोई नहीं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, बीमारी से भी कठोर अगर कोई है तो मेरा कालो का काल महाकाल है, जो बीमारी को भी निकल जाता है, बीमारी को भी समाप्त कर देता है। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज शिव महापुराण में नहीं? कैंसर जैसे रोग के लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी केदारनाथ जी जाना तो केदारनाथ जी जाते समय त्रिजुगी नारायण चले जाना, 8 किलोमीटर दूर। त्रिजुगी नारायण जहां शंकर और सती की भावर पड़ी थी, शंकर और सती के फेरे डले थे, तो दक्ष प्रजापति ने जो फेरे की अग्नि प्रकट करवाई थी, वो फेरे की अग्नि आज तक जल रही है, आज तक फेरे की अग्नि जल रही है। वहां पर माता सती के चलने से कुंड बन गए थे, उस कुंड का पानी लिया, कितना भारी भी कैंसर है, उस कैंसर के रोगी को धीरे धीरे कर कर पिलाना चालू कर दो, कैंसर में आराम लगना चालू हो जाता है। हाथ में कंपन हो रहा, शरीर में लकवा लग गया, डॉक्टर अपना काम करें, तुम शंकर पर विश्वास रखकर पांडुकेश्वर चले जाओ, जहां शंकर भगवान ने पहली बार उत्तराखंड की भूमि पर शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था, उस पांडुकेश्वर पर जाओ। शंकर के शिवलिंग में से पसीना निकलता है, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु ने घर्षण करा था, तो शिव के शरीर से पसीना बहता है, वहां एक कुंड में गिरता है, उस कुंड का पानी लिया, 5-7 दिन पिलाइए, हाथ का कंपन बंद हो जाएगा, लकवे की बीमारी समाप्त, शरीर वापिस काम करने। ऐसी कौन सी बीमारी है जो शंकर ना मिटा? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, विष्णु वैकुंठ लोक में है, और मेरा शंकर मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। महादेव शिव कृपालु, शिव दयालु। और कई कई लोग हैं जिन्होंने ये प्रयोग करा और कईयों को आराम भी मिला, बहुत लाभ। बस उस पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, अगर विश्वास है तो भगवान है। मंदिर की मूर्ति, तीरथ, माता पिता और गुरु, इन पर विश्वास करोगे तो चमत्कार मिलेगा, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, निरंतर बह रही हूं आपके ऊपर है, आप मानोगे तो मिल जाऊंगा, भरोसा आपका होना चाहिए, विश्वास आपका होना चाहिए। आज सूर्य नारायण से कहा आप हमारे साथ में रहेंगे, सूर्य नारायण कहते हैं आप बोलोगे मैं वो काम करूंगा। शंकर भगवान ने कहा एक अवतार हमारा होगा जिसको लोग हनुमान कहेंगे, उस अवतार में सूर्यदेव हमने आपका जो सिर काटा है उसी कटे हुए सिर से हम विद्या प्राप्त करेंगे, आपका मान बढ़ाएंगे।
सूर्य नारायण भगवान की आराधना, जल डालना, चढ़ाना, सबका अपना अपना क्रम है। बीमारी मिटाने के लिए कौन से दिन चढ़ाना चाहिए, क्या चीज डालकर चढ़ाएं, रोग मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, सूर्य का अलग अलग भाव वर्णन किया गया है शिव महापुराण अलग अलग।